अस्सलाम वालेकुम, आई एम निम्रा अफजल। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अरिथमेटिक मीन। इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन और एवरेज इज़ द सम ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स इन द कलेक्शन और इट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन द सीरीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सीरीज। मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन इज़ आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन, मीन, सिंपल मीन एंड एवरेज। मेथड्स ऑफ अरिथमेटिक मीन कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, जिसमें से हम जस्ट डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कौन सा होता है? जो आपके पास रॉ फॉर्म में होता है, रॉ डेटा होता है। और ग्रुप डेटा कौन सा होता है? जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हैं अरिथमेटिक मीन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिजली डिफाइंड, इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज़ डिटरमिनेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाटा। इट इज़ फाइनाइट, इट इज़ रेडिली पुट टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट एंड इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? अरिथमेटिक मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सपोज कि अगर आपके पास डाटा है 3, 5, 7 और 100, तो आपका अरिथमेटिक मीन का जो आंसर होगा वो अराउंड अबाउट 50 to 60 आएगा। इट मींस कि एक वैल्यू ने आपके अरिथमेटिक मीन के आंसर को इतना चेंज कर दिया है। तो ये क्या होता है? हाईली इफेक्ट करती है एक्सट्रीम वैल्यू से। इट कैन नॉट एवरेज द रेशियो एंड परसेंटेज प्रॉपरली। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली इफ़ एनी आइटम इज़ मिसिंग। मतलब अगर आपके डाटा में कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो आप अरिथमेटिक मीन कंप्यूट नहीं कर सकते। द मीन समटाइम्स डज नॉट कंसाइड विद एनी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसके फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। अरिथमेटिक मीन के कौन कौन से फार्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप डाटा और फॉर ग्रुप डाटा? अनग्रुप डाटा में इसके फार्मूलाज क्या हैं? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू a1 + a2 + a3 + so on + an डिवाइडेड बाय n। आप यहाँ पे a1 a2 की जगह पर x1 x2 भी लिख सकते हैं, y1 y2 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फाइनल फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, वेयर x क्या है? इंडिविजुअल वैल्यू और n हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपके पास एक एग्जांपल है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल है टू फाइंड द मीन ऑफ 3, 5 एंड 7। तो आप इसको तीन स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। आपके पास जो भी नंबर्स होंगे आप उनको सम कर लेंगे। 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 15। स्टेप टू में आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे नंबर्स, टोटल नंबर। देर आर थ्री नंबर्स। स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे? आप फार्मूले में पुट करेंगे 15 / 3, आपके पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 5। अब आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ड्राइविंग स्पीड फॉर 6 डिफरेंट कार्स ऑन द सेम हाईवे। 66 mph, 57 mph, 71, 54, 69 and 58 mph। तो आपने अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेट करना है। आप कैसे करेंगे? आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब इसमें एन आपके पास कितने हैं? 6, और सम ऑफ एक्स आपके पास क्या है? आप 66 से लेकर 58 तक सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। द आंसर इज 375। आप कैलकुलेटर उसमें फार्मूले में पुट करेंगे 375 / 6, द आंसर इज 62.5 mph। अब है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपके पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है। अब वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था सम ऑफ एक्स ओवर एन, उसमें आप क्या करेंगे? एफ को ऐड कर देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा द सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, वेयर एक्स क्या है? इंडिविजुअल वैल्यू और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंस। अब आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा। अब देखें ग्रुप डाटा दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसमें आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं। जैसे आप फर्स्ट कॉलम में देखें आपके पास एक्स वैल्यूज क्या हैं? 1, 2 एंड 3। इट मीन्स कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं, साथ में आपके उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है उसमें आपके पास क्या होती हैं? क्लासेज होती हैं। सपोज कि आपके पास क्लास दी हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये आपके पास क्या होती है? कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तो अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो और डिस्क्रीट डाटा हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास फार्मूला क्या है? सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। आप थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें आप एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 2। आप एक कॉलम बनाएंगे और आप उसका सम ले लेंगे। फिर आपके पास स्टेप वन क्या होगा? आप फ्रीक्वेंसी वाले सेकंड कॉलम का सम लेंगे। स्टेप टू क्या होगा? आप जो थर्ड कॉलम है आपके पास एफ एक्स वाला, आप उसका सम लेंगे। और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? फार्मूले में आप इनको पुट करेंगे और आप डिजायर्ड आंसर ले लेंगे, 14 / 7 = 2। अब आपके पास आ जाते हैं अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा में देखें, आप फर्स्ट कॉलम में देखें आपके पास तीन है क्लासेज ऑफ क्लास, क्लास ऑफ एज।
तो आपके पास क्या है, वह 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जिसमें 0 क्या है आपके पास लोअर लिमिट है और 5 क्या है आपके पास अपर लिमिट है। इसी तरह से 5 लोअर, 10 अपर, 10 लोअर और 15 अपर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या दी हुई है, क्लासेस दी हुई है। और मैंने आपको एक बार बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, इफ़ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास देन इट इज इक्वल टू क्लास बाउंड्री, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट इज इक्वल टू क्लास लिमिट्स। तो ये अब आपके पास क्या दी हुई है, क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। सेकंड कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट लिखेंगे। अब आपको इसके लिए चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस केस में आपके पास 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2.5। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 7.5। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 12.5। 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 17.5। आप इस तरह से मिड पॉइंट निकालेंगे। फोर्थ कॉलम में आप क्या करेंगे, एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह आप फार्मूले में पुट करेंगे और आप आंसर डिजायर्ड ले लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा शोज डिस्टेंस कवर्ड बाई 100% टू परफॉर्म देयर रूटीन जॉब्स। अब आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें आपके पास क्लासेस दी हुई हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपके पास क्लासेस हैं और क्लासेस में क्या है, क्लास बाउंड्रीज हैं और आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आप एज इट लिखेंगे। थर्ड कॉलम अब आप कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट उसी पिछले क्वेश्चन की तरह आप कैसे निकालेंगे, लोअर प्लस अपर, मतलब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 15 एंड सो ऑन। आप इस तरह से मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। फोर्थ कॉलम में आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एक्स का कॉलम ले लेंगे। आप एफ एक्स वाले कॉलम का सम कर लेंगे और सेकंड कॉलम का सम ले लेंगे और आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे। द फार्मूला इज सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, तो 2400 डिवाइडेड बाई 100, द आंसर इज 24 किलोमीटर। ये आपका टॉपिक था अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। और आप इससे रिलेटेड, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप बुक से देख लें, कंसल्ट कर लें, आप इंटरनेट से देख लें और होप्स हो कि आप सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मजीद कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।